सो दोस्तों, आज का 3D वाला वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप सभी एक बार कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार का 3D वाला वीडियो बनाना चाहते हैं अपने फोटो से या किसी और के फोटो से, तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप हम यहाँ से वीडियो को शुरू कर लेते। तो सबसे पहले आप सभी को इस तरह का वीडियो बनाने के लिए अलाइट मोशन एप्लीकेशन को जरूरत पड़ेगा, आप सभी को प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हो। तो अब दोस्तों आप सभी यहां पर देख सकते हैं, जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है इस प्रोजेक्ट वाले पे क्लिक कर देना। उसके बाद अब दोस्तों आप सभी मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पर दोस्तों आप सभी को दो लिंक मिलेगा, पहला मिलेगा संग बीट मार्क प्रोजेक्ट, आप लोग दूसरा मिलेगा सेकीपेक्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो आप लोगों को उन दोनों को अलाइट मोशन में इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के लिए लिंक पर क्लिक करते ही अलाइट मोशन में आप सभी को इम्पोर्ट हो जाएगा। इम्पोर्ट होने के बाद आप सभी देख सकते कुछ इस प्रकार का अलाइट मोशन में आप सभी को दो प्रोजेक्ट जो है ना इम्पोर्ट होकर के आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद अब दोस्तों आप सभी जो संग बीट मार्क इंपोर्ट किया था, आप सभी को सबसे पहले संग बीट मार्क वाले पे क्लिक कर देना है। संग बीट मार्क वाले पे क्लिक कर देने के बाद अब दोस्तों आप लोग जैसे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर बीट मार्क में यहाँ पर बनाया हो। ठीक है, तो अब दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार से ऊपर स्क्रॉल करते जाना होगा और यहाँ पर दोस्तों आप लोग नीचे देख सकते बहुत सारा यहाँ पर लेयर लगा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों कुछ इस प्रकार से सबसे नीचे चला जाना होगा और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते इमेज 9:16 जो 16 लिखा है इस पर टच कर देना होगा। कलर एंड फिल्म में जाना, नीचे स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके, और दोस्तों आप लोग यहाँ पर जिसके भी इमेज और फोटो से बनाना चाहते हैं आप सभी को यहाँ पर उसको इमेज को एड करके प्लस पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों को एक बार बैक आ जाना होगा। इस प्रकार से बैक आने के बाद अब दोस्तों आप सभी को कुछ इस प्रकार से फिर से आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए। आगे आने के बाद यहाँ आप लोग दोनों उंगलियों को पकड़ के जूम करना होगा और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ग्रुप 2 लिखा है। यहाँ पर ग्रुप 2 एंड इमेज 6 जो लिखा है ग्रुप 2 पर आप लोग इस पर टच करना है। उसके बाद एडिट ग्रुप में जाना है। एडिट ग्रुप में जाने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार के खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आप लोग को ऊपर स्क्रॉल करते जाना और दोनों उंगलियों को पकड़ के जूम करना है और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते जो लिखा है इमेज 9:16, तो आप सभी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद कलर एंड फिल्म जाना है। स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रेंड्स आप लोगों को इमेज को ऐड करके प्लस पर क्लिक कर देना। फिर से आप लोगों को अगला लेयर पर टच करना है। कलर एंड फिल्म में जाना, नीचे स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से इमेज को ऐड करके प्लस पर क्लिक कर देना। फिर से आप लोगों को अगला लेयर पर टच करना है। कलर एंड फिल्म में जाना, नीचे स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से इमेज को ऐड करके आप लोगों को प्लस पर क्लिक कर देना। फिर से आप लोगों को अगला लेयर पर टच करना है। कलर एंड फिल्म में जाना, नीचे स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से इमेज को ऐड करके प्लस पर क्लिक कर देना। फिर से आप लोगों को अगला लेयर पर टच करना है। कलर एंड फिल्म में जाना, नीचे स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से दोस्तों आप लोगों को इमेज को ऐड कर देना। ठीक है, तो दोस्तों अब आप सभी को कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर जितना जो लेयर है सभी लेयर पर दोस्तों आप लोगों को फोटो को ऐड करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को फोटो किस तरीके से ऐड करना है यहाँ पर देख सकते हैं। लेयर पर टच करके कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके इमेज को ऐड करके प्लस पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, फिर से लेयर पर टच करना है। कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से दोस्तों इमेज को ऐड करके प्लस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर जितना जो लेयर था इन सभी लेयर पर मैंने फोटो को ऐड कर लिया। आप लोगों को भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर फोटो को आप लोगों को ऐड करना होगा सभी लेयर पर। ठीक है, तो फोटो ऐड करने के बाद अब आप लोगों को एक बार बैक आ जाना इस तरीके से। ठीक है, बैक आने के बाद अब दोस्तों आप लोगों को यहां से करना क्या होगा, वीडियो को अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग कुछ इस प्रकार से एक बार बैक आ जाना होगा। इस तरीके से बैक आने के बाद जो सॉन्ग सेक इफेक्ट जो इंपोर्ट किए थे डिस्क्रिप्शन से, सेक इफेक्ट पे आप लोगों को चला जाना है। ठीक है, सेक इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दो इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, HDRCC, तो आप लोगों को सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर जो आई के जैसा यानी कि आँख के जैसा, इन दोनों का आप लोगों को टिक कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद प्लस पर क्लिक करना है, कॉपी टू लेयर कर देना है, एक बार बैक आ जाना है और दोस्तों संग बीट मार्क में आप लोगों को चला जाना होगा। उसके बाद प्लस पर क्लिक कर देना है, पेस्ट टू लेयर कर देना है। पेस्ट टू लेयर कर देते ही अब दोस्तों आप सभी के लिए आज का जो वीडियो बन रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद लगा होगा। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके